हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो गाइस, आज CHSL के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है 12 अक्टूबर का, और पहले शिफ्ट में जो भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा, और तीनों जो शिफ्ट होंगे उसका कंपाइल PDF, ठीक है, सारे GK का कंपाइल PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा नदी का ओरिजिन जो है, उत्पत्ति क्या है, तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है किसी और भी नदी का जो ओरिजिन है वो पूछा जा सकता है अगले शिफ्ट में। नेक्स्ट है आपका पुलिकट लेक, तो वो कहाँ पे है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। लेक के बारे में पूछा है तो आपको चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है pH वैल्यू पूछा गया था ह्यूमन ब्लड का, ठीक है, तो pH वैल्यू क्या होता है ह्यूमन ब्लड का, 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो देखिए RD बनर्जी ने की थी, और हड़प्पा की भी आपको याद रखनी है कि DR साहनी यानी कि दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खुदाई की थी। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो मैंने अलग से लिखे हैं ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि TCS जब से एग्ज़ाम ले रही है तो ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पहले या सेकंड शिफ्ट में आ रहा है तो उसके बाद वाले शिफ्ट में उसी से रिलेटेड या घुमा फिरा के लगभग वही सारे क्वेश्चन जो है, मैथ की बात करें या फिर GK की बात करें, वहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसी पैटर्न पर। यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि मिनिमम एज जो है प्रेसिडेंट बनने का वो जो है क्या होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 होगा, ठीक है गाइज। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो, ठीक है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन है एकदम एक्यूरेट यहाँ पर मिलेंगे। भले आपको लेट से वीडियो मिले लेकिन जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब मिनिमम एज क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए 25, ठीक है, और यहाँ गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो 35, लोक राज्यसभा की बात करें राज्यसभा के सदस्य की तो वो होता है 30 ईयर्स, ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका CM ऑफ हरियाणा, देखिए आपको CM, इसके अलावा चीफ जस्टिस जो है, माफ़ कीजिएगा, राज्य, हर एक राज्य की जो चीफ जस्टिस है, और ये आपका जैसे हर एक स्टेट का जो कैपिटल है, और ये सारे जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनी रहे हैं। यहाँ पर देखिए CM पूछा गया है, हरियाणा का पूछ दिया गया है, तो कौन है वो, मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद गवर्नर देखिए हो सकता है पूछ दे, तो वो है SN आर्या। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया था, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट शायद पूछी गई थी तो 182 फीट है। उसके बाद गुजरात में ये बना हुआ है, और किसकी मूर्ति है ये, किसकी यूनिट स्टैचू है, तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो मार्कोस तोरोजियो है, ठीक है, मार्कोस तोरोजियो, और हेडक्वार्टर जो है इसका चाइना में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका चाइना में है, ये मैंने लिखना भूल गया था। यहाँ पे इस बार पूछ दिया गया था, देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसको दिया गया है, अमिताभ बच्चन को, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है कोई और भी अवार्ड ऑनर के बारे में नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। रस्टिंग के बारे में साइंस से ये क्वेश्चन पूछा था कि रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि जंग लगने, जो जंग लग जाता है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ऑयलिंग से भी कर सकते हैं, ग्लेवेनाइजेशन होता है, ग्रीसिंग होता है, ये 3-4 तरीके हैं। अब आपको देखना होगा कि ऑप्शन में आपने क्या दिया गया था और क्या आपने टिक आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मालदीव्स जो है, मालदीव के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल जो है उसके प्रेसिडेंट है। इसके अलावा हो सकता है नेक्स्ट स्टेप्स में अलग भी किसी कंट्री का पूछ दे, करेंसी या फिर कैपिटल भी पूछ सकता है, या फिर प्रेसिडेंट्स और जो PM है वो भी पूछ सकता है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल मालदीव्स का क्या है, माले और करेंसी रूपी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, और बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं उसका जो कंपाइल वीडियो है वो रात में अपलोड कर दिया जाएगा, PDF भी आपको दे दी जाएगी, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। जो भी न्यूज़ मिलेगी, जो भी आपको यहाँ पे माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगे, 5 मिनट में यहाँ पे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है आप लोगों का, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में है तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।